पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम तीसरा शीतलवाद की गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई के संदेश पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी फरियादी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और उसके पीछे छुपे उद्देश्य की जांच का आदेश दिया। किसी गृह मंत्री ने इंटरव्यू में नाम देकर उस व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए और प्रशासन ने कमाल फुर्ती दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट ने अपनी परंपरा से हटकर नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको फटकार लगाकर अंतरिम जमानत दे दी। ये असामान्य घटना जिस व्यक्ति के साथ हुई उसका नाम तीसरा शीतलवाद है, इसलिए 3 प्रश्नों का जवाब मालूम करना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न ये है कि आखिर ये तीसरा शीतलवाद कौन है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत क्यों दे दी। तीसरा शीतलवाद मुंबई की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1962 में उनका जन्म प्रसिद्ध शीतलवाद घराने में हुआ। उनके पिता आतिल शीतलवाद एक मशहूर वकील थे और उनके दादा एमसी शीतलवाद देश के पहले अटॉर्नी जनरल थे। अंग्रेजों का वफादार संघ परिवार चिमनलाल शीतलवाद पर जनरल डायर को क्लीन चिट देने का आरोप लगाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि जनरल डायर को जिस हंटर कमीशन ने क्लीन चिट दी थी उसमें चिमनलाल मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं लिखी जिसमें जनरल डायर को क्लीन चिट दी गई थी। उस मामले में 2 रिपोर्ट लिखी गई, एक रिपोर्ट 5 अंग्रेजों ने लिखी और दूसरी रिपोर्ट 3 भारतीय मूल के लोगों ने लिखी। अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें जनरल डायर को जो है वो क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन चिमनलाल और उनके 2 साथियों ने जो रिपोर्ट लिखी उन्होंने जनरल डायर की भरपूर निंदा की गई थी और उसको खूब बुरा भला कहा था। ये उस समय की बात है जब हिंदुत्ववादी सावरकर अंग्रेजों से जीवन भर निष्ठावान रहने का आश्वासन दे रहे थे। तीसरा शीतलवाद का बचपन मुंबई में गुजरा। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर पत्रकारिता के मैदान में कदम रखा। कई समाचार पत्रों में संवाददाता के तौर पर काम करने के बाद प्रख्यात पत्रकार जावेद आनंद से शादी कर ली। तीस्ता ने अपने समविचार लोगों के साथ मिलकर सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक एनजीओ बनाई जो मानव अधिकार की रक्षा में व्यस्त है। उनको 2002 में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना पुरस्कार मिला और 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तीसरा शीतलवाद ने 2002 के गुजरात दंगों से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। उन्हें बदनाम करने की खातिर उन पर विदेश से मिलने वाले अनुदान के गलत उपयोग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, परंतु वो आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इन षड्यंत्रों की परवाह किए बगैर वो जातिवाद और नफरत के खिलाफ लड़ती रही। वो सामाजिक न्याय में विश्वास रखती हैं, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं, उनकी लेखन और भाषण में जात पात और लिंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आसाम के परेशान हाल लोगों के लिए बहुत काम किया। ये तो है तीस्ता का संक्षिप्त परिचय, यानी इस प्रश्न का जवाब कि आखिर तीस्ता कौन है। दूसरी श्रेणी के प्रश्न है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर इतनी तीखी टिप्पणी क्यों की, गृह मंत्री को उनके खिलाफ इंटरव्यू देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, गुजरात की पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। इसकी पार्श्वभूमि यह है कि 2002 के अंदर गुजरात सांप्रदायिक दंगे में कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी में मार डाला।
मोदी सरकार की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को क्लीन चिट दे दी। दंगे भड़काने की राज्य सरकार के षड्यंत्र को नकार दिया। इस रिपोर्ट को जकिया जाफरी ने चैलेंज कर दिया। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने एसआईटी के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की शिकायत को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की प्रार्थना पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया, परंतु एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट को स्वीकार कर लिया, यानी उनको क्लीन चिट दे दी। ये मामला 7 महीने तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले जस्टिस एमवी खानोलकर ने जो है वो 24 जून को एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया। यहाँ तक भी बात ठीक थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी लिख दिया कि तीसरा सतनवाद के बारे में जांच की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस मामले में जकिया जाफरी की भावना को गुप्त रूप में अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। अपनी परंपरा के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि तीसरा सतनवाद अपने हिसाब से इस केस में सहायता करने के बहाने जकिया जाफरी को कंट्रोल कर रही थी। वो अपने स्वार्थ के कारण बदले की भावना से इस केस में जो है वो रुचि ले रही थी, बल्कि अपनी मर्जी के अनुसार चीजें भी गढ़ रही थी। कोर्ट अपने फैसलों में ना तो इस तरह के आरोप लगाता है और ना ऐसा आदेश देता है, परंतु एक खतरनाक योजना के तहत ये किया गया। इस साजिश का अगला कदम गृह मंत्री अमित शाह का समाचार एजेंसी ANI को दिया जाने वाला इंटरव्यू था। इसमें उन्होंने तीसरा सतनवाद पर आरोप लगाया कि वो 2002 के गुजरात दंगों के बारे में पुलिस को निराधार जानकारी दे रही थी। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के निर्णय को बहुत ध्यान से पढ़ा है। इस निर्णय में तीसरा सतनवाद के नाम का प्रकट उल्लेख किया गया है। उनकी NGO ने पुलिस को दंगों के बारे में निराधार जानकारी दी थी। इस इंटरव्यू में गुजरात दंगों को रोकने के लिए पुलिस और अधिकारियों के कुछ न करने पर गृह मंत्री ने कहा कि BJP विरोधी राजनीतिक पक्ष और विशेष विचारधारा वाले पत्रकारों और NGOs ने मिलकर दंगा फैलाया और उनका प्रोपेगेंडा इतना मजबूत था कि लोग उन्हें सच मानने लगे। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। कल को ये लोग बिल्किस बानो के बलात्कार का आरोप भी अपने विरोधियों पर लगा देंगे और खुद को बिल्किस बानो का राक्षस बताने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलने पर आए तो कुछ भी कह सकता है। गृह मंत्री के इंटरव्यू ने तीसरा सतनवाद की गिरफ्तारी का माहौल बना दिया और गुजरात पुलिस ने ATS बना डाली। हालांकि ये कोई आतंकवाद का मामला नहीं था, इसके लिए एंटी टेररिस्ट जो है वो उसकी ग्रुप की जरूरत ही नहीं थी। और वो ATS अगले ही दिन गुजरात से जो है वो बम्बई पहुंच गई और तीस्ता के पड़ोसी में रहने वाले भाजपा सांसद नारायण राणे की कोठी से दीवार फाड़ कर उनके घर में चोरों की भांति घुस गई और मारपीट के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर IPC की धारा 468 यानी धोखाधड़ी और चीटिंग और 471 यानी नकली दस्तावेज बनाने की कलम लगाई गई। ये बदले की कार्रवाई थी जिसमें प्रशासन का दुरुपयोग किया गया था। आखिरी प्रश्न ये है कि तीसरा सतनवाद को जमानत कैसे मिल गई, जबकि सत्ताधारी लोग उन्हें जेल में रखना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस UU ललित ने पूछा कि तीसरा के खिलाफ ना तो UAPA लगा है और न ही पोटा का केस दर्ज है, फिर भी 2 महीने से उन्हें हिरासत में क्यों रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर प्रशासन या उनके वकील के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीस्ता पर मामूली CRPC और IPC के प्रावधान है, इसलिए उन्हें राहत का अधिकार है। चीफ जस्टिस UU ललित की बेंच ने गुजरात सरकार, हाई कोर्ट और प्रशासन को इन प्रश्नों के जरिए
कटघरे में खड़ा कर दिया। बेंच के अनुसार पुलिस की एफआईआर केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चरबा है, इसमें कोई नई जांच नहीं है, इसलिए पुलिस इतने दिनों तक जेल में रखने का कोई कारण पेश करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। कोर्ट ने पूछा कि आरोपी को 2 महीने से हिरासत में रखा गया है, फिर भी उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, ऐसे में उन्हें जमानत क्यों न दी जाए। गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के पास इन आपत्तिजनक टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं था। उनका कहना था कि तीस्ता के साथ आम आरोपियों जैसा सुलूक होना चाहिए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, वो हाई कोर्ट के फैसले में के लिए क्यों नहीं रुकी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गई। तुषार मेहता के अनुसार देश में हजारों लोग अपनी पेटिशन पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रही। मतलब ये कि जो अन्याय हजारों लोगों पर हो रहा है वही अन्याय तीस्ता पर भी किया जाए, उनका अन्याय खत्म नहीं किया जाए बल्कि इन पर भी अन्याय किया जाए। तुषार मेहता ने ये बात उस वक्त नहीं कही जब अर्णब गोस्वामी को जो वो अंतरिम जमानत देने के लिए रात के 8 बजे कोर्ट का दरवाजा खोला गया। तो क्या अर्णब गोस्वामी सरकार के दामाद लगते हैं जो उनके साथ जो है ये वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कि इस कटुजती पर चीफ जस्टिस ने गुस्सा जताते हुए कहा कि आप कोई ऐसी दलील दें जो स्वीकार करने लायक हो, कोर्ट का समय बर्बाद करने या उसे भटकाने का प्रयत्न न करें। ये बहुत कड़ी टिप्पणी थी जो सॉलिसिटर जनरल को जो है वो सुननी पड़ी। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं, हमें तो एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा। तुषार मेहता ने गिड़गिड़ाकर एक और दिन की मोहलत मांगी। इस पर चीफ जस्टिस यू ललित ने फैसला एक दिन के लिए टाल दिया और अगले दिन कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। अब हाईकोर्ट के लिए स्थायी जमानत न देना कठिन हो गया है। ये अजीब तमाशा है कि कल तक सरकार और प्रशासन पर दंगे रोकने की अक्षमता का आरोप लगता था और अब वही लोग दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने वाले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तीस्ता की गिरफ्तारी से भगवाधारियों ने यह संदेश दिया है कि कोई अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठाए और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसको कुचल दिया जाएगा और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। भगवा विचारधारा के समर्थकों को मालूम होना चाहिए कि हर कोई उनकी भांति डरपोक नहीं होता। तीस्ता से तलवार जैसे मानव अधिकार के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोग न डरते हैं और न झुकते हैं। तीस्ता के संघर्ष का यही जो है वो संदेश है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।